वेलकम बैक टू माई चैनल। इफ़ यू न्यू वी आर प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज। आज हम बात करेंगे सेक्शन 113 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की, जो कि बात करता है कि ऐसे व्यक्ति के बारे में संबंध में वारंट जो उपस्थित नहीं है, यानी कि जो चैप्टर 8 में सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस एंड गुड बिहेवियर के लिए जो सिक्योरिटी मांगी जा रही है जिस व्यक्ति से, अगर वह कोर्ट में उपस्थित नहीं है तो उस केस में क्या है, उस व्यक्ति को क्या है वारंट संबंध इशू किया जा सकता है। देखते हैं लैंग्वेज क्या है। यदि ऐसा व्यक्ति न्यायालय में उपस्थित नहीं है तो मजिस्ट्रेट उसके हाजिर होने की अपेक्षा करते हुए समन, या जब ऐसा व्यक्ति अभिरक्षा में है तब जिस अधिकारी की अभिरक्षा में है उस अधिकारी को उस न्यायालय के समक्ष लाने का निर्देश देते हुए वारंट जारी करेगा। परंतु जब कभी ऐसे मजिस्ट्रेट को पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट या अन्य इत्तला पर जिस रिपोर्ट का या इत्तला का सार मजिस्ट्रेट द्वारा अभिलिखित किया जाएगा, यह प्रतीत होता है कि परिशांति भंग होने के डर के लिए कारण है और क्या है, ऐसे व्यक्ति की तुरंत गिरफ्तारी के बिना ऐसी परिशांति भंग का निवारण नहीं किया जा सकता, तब वह मजिस्ट्रेट उसकी गिरफ्तारी के लिए किसी भी समय वारंट जारी करेगा। तो ये बताया गया सेक्शन 13 में कि इफ सच पर्सन इज नॉट प्रेजेंट इन कोर्ट द मजिस्ट्रेट शैल इशू अ समन रिक्वायर हिम टू अपेयर एंड व्हेन सच पर्सन इज इन कस्टडी द वारंट डायरेक्टिंग द ऑफिसर इन हूज कस्टडी ही इज टू ब्रिंग हिम फ्रॉम द कोर्ट provided that whenever it appears in such magistrate upon the report of the police officer or upon other information, the substance of which report or information shall be recorded by the magistrate, that there is reason to fear and commission to a breach of the peace, and that such breach of the peace cannot be prevented otherwise than why the immediate arrest of such person, the magistrate may at any time issue a warrant for his arrest। तो ये बताया गया सेक्शन 13 में कि उस व्यक्ति को क्या है, अगर सम्मन इशू किया जाएगा, अगर वह किसी की कस्टडी में है तो वारंट इशू किया जाएगा, तो इसमें डिफाइन किया गया है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी सेक्शन 114। आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके सीआरपीसी के सारे सेक्शंस देख सकते हैं। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। Thank you for watching this.